हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ से मान्य धन में आज जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मैं बताया था यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आज ही मैंने जो है लगभग छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात हैं, नदियाँ, उसको मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। उसको पूरा आप डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, पूरा डिटेल के साथ एक एक फैक्ट के साथ उसको मैं पढ़ाया हुआ है। आप जो उसको जो है सेशन दोनों जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जलप्रपात, ये सब भी कंप्लीट करके ये जो तीसरा सिलेबस में देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्र उद्यान, जितने भी नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। पूरा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप छात्रावास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल मॉडर्न के लिए तैयारी कर रहे हो, CGPSC में जैसे प्री हो गया, चाहे मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, मेंस का जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, फॉर्म जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ तो फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए शिक्षक कर्मी भर्ती वगैरह पूरा ऑल इन वन एग्जाम के लिए आपका जो है काम आने वाला है। ठीक है जी, तो सभी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ के जो है हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जो है हम अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा जो है केंद्र के स्तर पर जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना यहाँ पे जो है की जाती है। आप सभी को पता होगा तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्यों की जाती है, तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो है केंद्र स्तर पर जो है इसको जो है स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों के संवर्धन के लिए जो है अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के लिए उपलब्ध के लिए इसको यहाँ पर नेशनल पार्क यहाँ पर जो है बनाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान आपके आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, अभी वर्तमान में देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है जी, इसको याद रखना है, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अभी यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में है, पूरा हम यहाँ पर जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरा डिटेल के साथ आप पढ़े यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम जो अभ्यारण है छत्तीसगढ़ में, अभ्यारण जिसको हम सेंचुरीज बोलते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिसको संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभ्यारण जो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी कुल कितने जो है अभ्यारण है जी, तो 11 अभ्यारण है, इसको याद रखिए, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 अभ्यारण हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछ सकता है, सभी जो क्वेश्चन है आपका जो है MCQ फॉर्म में है। ठीक है जी, इसको जो है आपको पार्ट वाइज पार्ट देखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य जिसको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं अभ्यारण्य को पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कौन कौन से जीव पाई जाती है, कौन से अभ्यारण्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन से नदी प्रवाहित होती है, कौन कौन से जीव जंतु पाई जाती, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच। तो चलिए आज का जो सेशन हम शुभारम्भ करते हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी जो स्टूडेंट यहाँ से सेशन लेंगे तो प्लीज़ जो है आप जो पार्ट वाइज पढ़िएगा। ठीक है, मतलब दूसरा के बाद तीसरा ऐसा नहीं, मतलब पार्ट वाइज, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं खींचूंगा, क्योंकि ज़्यादा 15 से 18 मिनट कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। ठीक है, तो इसको मैं जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार सभी आपका जो है लेटेस्ट पैटर्न पे है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो है पार्ट वाइज इसको जो है देखिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है बोल सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं आंसर दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और चैनल में जो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, अचान कमार में, सिमरसोत में, तमोर पिंगला में, या आपका जो है भैरमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो तमोर पिंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये आपका जो है तमोर पिंगला। ठीक है जी, तमोर पिंगला है, और ये जो आपका कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका जो है सूरजपुर। ठीक है जी,
सूरजपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था, तो 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन से वन्य जीव पाई जाती है, तो नील गाय, ठीक है। तो इसमें जो नील गाय ये जो है जीव पाई जाती है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपके यहाँ से जो है ACF के पेपर में आया हुआ है, व्यापम के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। तो अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्र उद्यानों और जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाला जानवर कौन सा हो जाएगा, बाघ, चीतल, वन भैंसा या जंगली सुअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चीतल, ठीक है। जो चीतल जो जो वन्य जीव है, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्र उद्यान हैं और छत्तीसगढ़ में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जो जानवर आपका जो है चीतल हो जाएगा। तो अधिकतर देखेंगे तो सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मिला के देखेंगे तो लगभग जो है चीतल जो जानवर है, जीव है, ये सभी जो है आपका जो है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ये देखने को सर्वाधिक संख्या में ये जानवर आपका पाई जाती है, ठीक है जी। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। कानन पिंडारी, ठीक है जी। तो कानन पिंडारी जिसको हम मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, तो कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1980 में। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में, वर्ष 1975 में, ठीक है जी। कानन पिंडारी के जो है स्थापना किया गया था, इसको जो है मिनी चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, बहुत ही बड़े स्तर में इसको बनाया गया है। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो 1970 एक बार जो है APSC में इसका डेट पूछा गया है, तो डेट को आपको याद रखना है। कानन पिंडारी कहाँ है, तो आपका जो है बिलासपुर में स्थित है। लगभग सभी जीव जंतु यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में स्थित है जी, ये आपका जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कौन से मतलब जो है जिले के अंतर्गत आती है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, जसपुर या कोरिया। तो बादलखोल जो है आपका जो है जसपुर जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, जसपुर जिले में। और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, 105 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। जसपुर ज़िला याद रखिएगा 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बादलखोल है। कौन से जिला में स्थित है, जसपुर जिला में है। और जसपुर में वनों को किस नाम से जानते हैं जी, तो इसको जो है डाब के नाम से जानते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन जो है CGPSC में ACF के पेपर में आया हुआ है, और CGPSC प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन है। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है, आपके छत्तीसगढ़ के CMO के 2010 के पेपर में आया हुआ है। दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या आपका जो है पश्चिमी भाग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जो है रायगढ़ जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। इसमें जो खास करके सोन कुत्ता, ठीक है जी, सोन कुत्ता एक जो है जीव है, वन्य जीव है। तो जो सोन कुत्ता जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है ACF के पेपर में और आपका जो प्री में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए कि जो सोन कुत्ता जो वन्य जीव है कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, इम्पोर्टेंट है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया था, 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। कौन से जिला में स्थित है, तो आपका जो है बीजापुर जिला में स्थित है। और कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये आपका जो है लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन से जीव पाई जाती है, तो खास करके बाघ वगैरह, टाइगर वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र
कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा आई से इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इसमें जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान को जिसको प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में, ठीक है 1983 में इसको जो है घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसके यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व लागू किया गया। आपको जो है CGPSC मेंस में आया हुआ है, प्री में क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार प्री में यहाँ से रिपीट हुआ है, व्यापम में अलग पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखिए, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बांध पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बार नावपारा, अचान कमार, तमोर पिंगला या आपके बादल खोल में। इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अचान कमार। ठीक है, तो अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बांध होकर यहाँ पर जो बना हुए हैं, तो ये जो है अचान कमार जो है मुंगीले जिले में स्थित है। 1975 में इसका स्थापना किया गया था, 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अचान कमार जो है हमारा जो अभ्यारण्य है देश का 14वां क्रम का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। और 2005 में इसको जो है घोषित किया गया था, 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है, और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मनियारी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है जी, मनियारी नदी बहती है और सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह जीव जंतु हिरण वगैरह इसमें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2002 में, 2008 में, 2004 में या आपके जो है 2001 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है किसको बोला जा रहा है, भोरम देव वन्य जीव, तो इसका जो हो जाएगा 2001, वर्ष 2001 में जो है भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वर्ष 2001 में इस अभ्यारण्य का इसको जो है दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है जी, डी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका जो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कौन से जिला में, याद रखिएगा कवर्धा जिला में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना किया गया था, 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भोरम देव जो है भोरम मंदिर के नाम पे जो है इसको जो है भोरम देव अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे निवेस्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन से वन्य जो छत्तीसगढ़ के कौन से जो अभ्यारण्य है जहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में बंदर वगैरह पाई जाती है, अचान कमार, बार नौपारा, गोमर्दा या पामेड़ में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बार नौपारा। ठीक है जी, तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बार नौपारा में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जो बंदर पाई जाती है, और ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी, और इसकी स्थापना 1976 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में शाकाहारी जानवर पाई जाते हैं, साथ ही सर्वाधिक सांप वगैरह इसमें पाई जाती हैं, और बंदर सभी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बार नावपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो बल्लम देही नदी गुजरती है, जिसमें कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो सात देवधारा जो जलप्रपात आपका जो है बना हुआ है। ठीक है जी, और तुतुरिया आश्रम महासमुंद में स्थित है, यहीं पर लव कुश का जो है जन्म स्थल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे CGPSC प्री में लगभग 16-17 में रिपीट किया गया था, फिर इसके बाद जो है और अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो अभ्यारण्य है माइकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा जो अभ्यारण्य है जो माइकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपका अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य या आपको गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या आपको उपरोक्त में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कौन सा अभ्यारण्य माइकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है अभ्यारण्य माइकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। तो अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका जो है मुंगेली जिला में स्थित है। 1975 में स्थापना किया गया था, 552
552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रख, मचान कमार के बीचों बीच जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मनियारी नदी जो है बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बागवरा यहाँ पे जो है पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेशन को यहीं तक आज रखते हैं। ठीक है जी, कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये जो हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा, तो उसको प्लीज़ पार्ट वाइज देखिएगा। पाँचवा से पहला ऐसा नहीं, पार्ट वाइज देखिएगा, ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है जी, तो पार्ट वाइज देखिएगा, साथ ही साथ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूँ मैं जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।